दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। हमारी इस गोल दुनिया में कई ऐसे जगह हैं जो काफ़ी पुराने हैं और इसके साथ ही वो वर्तमान में दुनिया के अजूबों की सूची में शामिल हो चुके हैं। ऐसे ही कुछ जगह के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया में 7 अजूबों के नाम से जाना जाता है। दुनिया में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम घूमने जाते हैं और प्राकृतिक का आनंद लेते हैं। इन 7 अजूबों में हमारे देश का ताजमहल भी शामिल है। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में बसा हुआ है। न्यू वंडर फाउंडेशन के अनुसार लगभग 100 मिलियन लोगों ने इंटरनेट और फोन के द्वारा 7 अजूबे चुनने के लिए अपना वोट दिया। इंटरनेट द्वारा एक इंसान एक ही बार 7 अजूबे चुनकर वोट कर सकता है, लेकिन फोन के द्वारा एक इंसान कई वोट दे सकता है। वोटिंग 2007 तक चली, जिसका रिजल्ट 7 जुलाई 2007 को लिस्बन में सबके सामने आया था। तो आइए जानते हैं दुनिया के 7 अजूबे। पहला है ताजमहल। जब भी हम दुनिया के 7 अजूबों की बात करते हैं तो हमारे जहन में ताजमहल का नाम ज़रूर आता है। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक और देखने लायक जगह है। ताजमहल का इतिहास आज से काफ़ी साल पुराना है। इस ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। 1632 में इस ऐतिहासिक स्थल का निर्माण किया गया था, जिसे बनाने में तकरीबन 15 साल लग गए थे। ऐसा माना जाता है कि इस इमारत में जो भी सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल किया गया है उनको बादशाह ने दुनिया के अलग अलग कोनों से मंगवाया था और इस इमारत में लगवाया था, और आज इस इमारत को देखने के लिए कई देश और दुनिया से लोग आते हैं। दूसरा है चिचेन इट्सा। ये इमारत भी दुनिया के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में ये एक मायावी शहर था और इस शहर में बना ये स्थान कई तरह की आर्किटेक्चर का एक एक्सीलेंट नमूना है। यह इस प्रकार का पिरामिड है जो सांप की सीढ़ी के आकार में बना हुआ है। चिचेन इट्ज़ा मैक्सिको में बसा हुआ एक पुराना मंदिर है। चिचेन इट्ज़ा का मायावी मंदिर 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 79 फीट ऊँचा है जो पत्थरों से पिरामिड की आकृति का बना है। तीसरा है क्रिस्ट द रिडीमर। यह एक ऐसी मूर्ति है जो खड़ी हुई प्रतीत हो रही है और ये ब्राज़ील में बनी है। ये प्रतिमा लगभग 39.6 मीटर ऊंची है, वहीं ये 30 मीटर चौड़ी है। ये मूर्ति कंक्रीट और पत्थर से बनी हुई है, जिसे ब्राज़ील से सिल्वा कोस्टा ने डिज़ाइन किया है। इस मूर्ति का वजन लगभग 635 टन है। ब्राज़ील देश के रियो डी जेनेरो में ये मूर्ति स्थापित है और ये ईसा मसीह की मूर्ति है। चौथा है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एशिया में अगर हम दुनिया के अजूबों की बात करें तो इसमें चीन की दीवार सबसे मुख्य है। ये दीवार चीन में बनाई गई है। यह दीवार एक किले नुमा दीवार है जो ईंट, लकड़ी, धातु और पत्थर की मदद से बनी है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाने जाने वाली यह दीवार दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। पाँचवा है माचू पिचू। एक समय था जब दुनिया में कई तरह की कल्चर थी जो कि अपनी संस्कृति और कलाकारी के लिए ही प्रसिद्ध थी। ऐसी ही एक कल्चर है जो कि माचू पिचू के नाम से जानी जाती है और उसे दुनिया के 7 अजूबों की श्रेणी में रखा गया है। दरअसल ये खुद एक कल्चर नहीं है, बल्कि ये इनके एक कल्चर का निशानी है जो आज भी उसी खूबसूरती के साथ बसा हुआ है। छठवा है पेत्रा। आपने कई ऐसी गुफा देखी होगी जो अपनी कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही एक जगह को हम दुनिया की 7 अजूबों की श्रेणी में रखते हैं। इसको पेत्रा के नाम से जाना जाता है, जो आधा नागर और आधा चट्टानों से तराशे जाने के लिए प्रसिद्ध है। इस जगह को रोज सिटी के नाम से भी जानते हैं। सातवां और आखिरी है कोलोसियम। कोलोसियम इटली के रोम शहर में है। कोलोसियम को दुनिया के 7 अजूबों की श्रेणी में रखा गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि हमारे दुनिया के 7 नए अजूबे कौन कौन से हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।